हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तीर्थ स्थल अंबाजी ने धरे नए रंग। प्रधानमंत्री शक्तिपीठ सर्किल से गब्बर रोड तक रंग बिरंगी रोशनी ने बनाया अद्भुत नजारा। अंबाजी में छाया उत्सव का माहौल। अंबाजी गब्बर रोड पर कलात्मक मूर्तियों की गई व्यवस्था। सुंदर प्रकाश सजावट ने अंबाजी को बनाया सुंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बनासकांठा जिले के प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी ने विभिन्न विकास कार्यों के विलेख का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एक नई पोशाक धारण की गई है। अंबाजी शक्तिपीठ सर्किल से गब्बर महाआरती की ओर जाने वाले मार्ग ने रंग बिरंगी रोशनी से मनमोहक नजारा पेश कर दिया है। इस समय जब आद्य शक्ति में अंबा की आराधना का नवरात्रि पर्व चल रहा है, तो शक्ति उपासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी के दर्शन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जय माँ अंबा के दर्शन कर गब्बर पर्वत पर होने वाली महाआरती में शामिल होने जा रहे हैं। अंबाजी में जश्न का माहौल है। अंबाजी गब्बर रोड पर शिल्पोत्सव के दौरान सप्ती मूर्तिकारों द्वारा तैयार की गई कलात्मक मूर्तियों की व्यवस्था कर सुंदर प्रकाश अलंकरण से अंबाजी वनराजी भी सुंदर हो गए हैं। श्री अरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट और बनासकांठा जिला प्रशासन ने शक्ति द्वार से माताजी के मंदिर में प्रवेश से लेकर अंबाना चंचर चौक तक के मुख्य मंदिर और मुख्य मंदिर को शानदार और मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी से सजाया है। शक्ति द्वार से मंदिर के रास्तों में लाइटों की ऐसी व्यवस्था की गई है, रोशनी की ऐसी चमक कहीं नहीं देखी। पूनम की पूरत, थकान की थंगन कहीं नहीं देखी। गुजरात त्योहारों, मेलों और मेलों की भूमि है, लेकिन अंबाजी शक्ति पीठ की बात सच है, क्योंकि यहाँ माँ का दिल बसता है और इसलिए हजारों किलोमीटर दूर दूर से भक्तों को माँ के दर्शन करने की ललक महसूस होती है। इस पेटी और चमक के संगम पर शक्ति पीठ एक दिव्यता और भव्यता प्राप्त करता है, जो रात की रोशनी में परिलक्षित होता है। और यही कारण है कि स्वर्ण मंदिर मंदिर का हिस्सा रंगीन रोशनी की रोशनी में चमक उठा है। जब मन चाचा चौक में नवीन रंगीन रोशनी बिखरी होती है, तो ये एक अलौकिक आभा पैदा करती है, जैसे कि प्रकाश की किरण बिखरी हुई हो, जिसे देखने वाले भक्त आनंद के रोमांच का अनुभव करते हैं। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।